अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूँ आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले बात की जाएगी तालीमी निज़ाम के अंदर इस वक्त तब्दीली नज़र आ रही है और दो तरह की तब्दीलियाँ हैं, एक मस्बत अंदाज में जा रही है और एक मनफी अंदाज में नज़र आ रही है। पहले हम ज़रा फर्नीचर के हवाले से बात करेंगे और डिसाइड करेंगे कि ये मस्बत है या मनफी है। बहरहाल 4 अरब से ज़ायद स्कूल स्पेसिफिक बजट के लिए बातें की गई हैं कि 4 अरब का बजट लिया जा रहा है। किस मद में लिया जा रहा है? वो ये है कि फर्नीचर खरीदा जा रहा है स्कूलों के लिए, और स्कूल जो खुले हुए हैं या बंद है ये कौन जस्टिफाई करेगा। 1331 स्कूल्स के हवाले से बातें सामने आ रही हैं कि इनके लिए फर्नीचर खरीदने की बातें की गई हैं, और 10 अजला के कुल 1331 स्कूल जिसमें से 51,180 स्टूडेंट्स के लिए जो बेंचेस हैं वो ली जाएंगी। जबकि ये भी वाजे बताया गया है कि जो 1300 के करीब स्कूल हैं उसमें से सैकड़ों स्कूल बंद हैं। उन स्कूलों के लिए जब स्कूल ही नहीं मौजूद है, स्कूल बंद है, तो आप फर्नीचर खरीद कर लेकर कहाँ जाएंगे? अपने घर में लेकर जाएंगे? ये जो सियासी रहनुमा है इसके ऊपर ज़रा सा डिस्कशन करेंगे, मामला है क्या। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है नुमाइंदा K21 न्यूज़ फैज़ बुलंदी। फैज़, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, और हमें जरा से ये ब्रीफ कीजिएगा कि ये मामला है क्या, स्कूल मौजूद नहीं है सिरे से या फिर बंद है, लेकिन उनके लिए उस फर्नीचर की तैयारी कर ली गई है, नया फर्नीचर लाया जा रहा है और 4 अरब रुपए इस मद में लिए जा रहे हैं। जी बिलाल, ये 4 अरब रुपए मुख्तलिफ हेड होते हैं, महकमा तालीम को जो बजट दिया जाता है उसके मुख्तलिफ हेड होते हैं। एक स्कूल स्पेसिफिक बजट है जिसके 4 अरब रुपए से जायद का बजट है, इसी तरह SMC का बजट है जो 1.5 अरब रुपए से जायद है, इसी तरह M&R है जो 1 अरब 30 करोड़ का बजट है, इसी तरह 209 अरब रुपए का अलहदा बजट है। अच्छा, इस तरह की खरबों रुपए का बजट है जो महकमा तालीम को जो है मुख्तलिफ मदाद में दिया जाता है। ये जो 4 अरब रुपए का बजट है ये स्कूल स्पेसिफिक बजट है। इस बजट को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया गया है जिसमें पहले मरहले में 60 करोड़ रुपए की मंजूरी ली गई है, और कोई 10 अजला है जिसमें कराची भी शामिल है, हैदराबाद है, खट्टा है, बदीन है, टंडो मोहम्मद खान है, टंडो लायार है, इस तरह 10 अजला हैं। उन 10 अजला की फहरिस्त तैयार की गई है, और इन 10 अजला में से कोई 1331 स्कूल्स हैं जिनमें 1160 प्राइमरी है और 171 हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं। इन स्कूल्स को फर्नीचर दिया जा रहा है। इस फर्नीचर के नाम पे ये करोड़ों रुपए जो निकाले जा रहे हैं, जब हमने दस्तावेजात हासिल की तो मालूम हुआ कि वो स्कूल्स के जिन स्कूल्स का चुनाव किया गया है 10 अजला के लिए जिनको नया फर्नीचर फराहम किया जा रहा है, उनमें से सैकड़ों स्कूल बंद हैं। और जो महकमा तालीम की जानिब से जो फहरिस्त जारी की गई है उस फहरिस्त में जो SMS कोड होता है जिससे पता चलता है कि ये स्कूल की लोकेशन कहाँ है, ये इसमें इसकी इनरोलमेंट कितनी है, कितने तलबा हैं, कितने असातिज़ा हैं, ये सारी डिटेल होती है, और इसी SMS कोड से ये स्कूल पहचाना जाता है। जब टीचर का ट्रांसफर होता है या स्कूल्स को कोई बजट दिया जाता है महकमे की जानिब से, तो ये चीज बड़ी अहम होती है। उसको ट्रांसफर का जो नोटिफिकेशन जारी होता है उसके अंदर भी उसका जिक्र किया जाता है कि लेकिन फैज, इदारा क्या कर रहा है? ये जो इदारा है तालीमी इदारा, ये खामोश क्यों बैठा हुआ है? इसको नहीं पता कि कहां पर स्कूल फंक्शनलाइज है, कहां पर नहीं चल रहे स्कूल, कहां पर बंद है, कहां पर घोस्ट स्कूल मौजूद है? बिलाल, यहां तो सारा आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। आप को बड़ा हैरानी होगी कि पूरे सूबे के अंदर कोई 5000 से जायद ऐसे स्कूल हैं जो बंद हैं, 2000 से जायद ऐसे स्कूल हैं जो बिल्डिंग से महरूम हैं। इस तरह अगर आप फिगर जो अथेंटिक फिगर है जो महकमा तालीम ने जो जारी की है, मैं अपने तरफ से अदाद शुमार नहीं बता रहा, जो महकमा तालीम के पास जो अदाद शुमार है उसके मुताबिक कोई 2000 से जायद ऐसे स्कूल हैं जिनके पास बिल्डिंग नहीं है। तो ये जो इस वक्त जो लिस्टिंग की गई है उसमें सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं जो बंद हैं, और बंद स्कूल्स के नाम फर्नीचर जो है वो फराहम किया जा रहा है। अच्छा, ये मैं पूछना चाहूंगा, जो 60 करोड़ के हवाले से मेरे पास फिगर्स हैं, 1100 प्राइमरी स्कूल हैं और 171 सेकेंडरी स्कूल हैं, ये 60 करोड़ रुपए का फर्नीचर खरीद कर प्रोवाइड कर दिया गया है क्या इन स्कूल्स को? जी नहीं, मजे की बात यह है कि ये इसका अभी टेंडर होना है, इसकी मुकम्मल तैयारी कर ली गई है, और 60 रोज के अंदर ये जो है ये सारा जो फर्नीचर है वो फराहम किया जाएगा इन स्कूल्स को।
क्योंकि हमने इन इस ये सिर्फ अभी बजट मंजूर किया है 60 करोड़ रुपए, और वो जो 4 अरब रुपए हैं वो जो है इनको ठिकाने लगाया जाएगा। पहले मरहले में 60 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, 60 करोड़ में से जो आपने अभी फिगर का जिक्र किया 1331 इन स्कूल्स को फाइनलाइज किया गया है कि पहले मरहले में इतने स्कूल्स को फर्नीचर फराहम किया जाएगा इतनी रकम में से, उसके बाद सेकंड थर्ड इस तरह करके ये प्लान किया गया है। जी ठीक है फैज, बहुत शुक्रिया इस हवाले से आपने ब्रीफ किया। नाजीन मामला सामने है, वजीर तालीम सरदार शाह की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे अच्छे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी बेटी का दाखला सरकारी स्कूल में करा दिया, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें भी थी जो असातज़ा को परमानेंट किया गया था, मुस्तकिल तौर पर रखा गया था NTS पास असातज़ा को, बहुत सारे अच्छे इकदाम किए थे उन्होंने। लेकिन ये जो मामला सामने आया है, 4 अरब रुपये से ज़ायद का बजट पास कराया गया है और फर्नीचर खरीदा जा रहा है, भाई फर्नीचर तो उस जगह के लिए खरीदा जाए जहां पर स्कूल काम कर रहा है, स्कूल तालीम दे रहा है। स्कूल बंद पड़ा हुआ है, स्कूल वहां पर मौजूद नहीं है, सिरे से खंडर बना हुआ है और वहां पर फर्नीचर का क्या काम है, ये पैसा जाएगा कहां? सरदार शाह साहब को सोचना होगा कि इस वक्त कैसे जो है वो तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाया जा सकता है। बहरहाल इस वक्त जदीद ट्रेनिंग के हवाले से एक मस्बत अंदाज में काम किया जा रहा है तालीम का, तालीम के हवाले से सिंध हुकूमत का सेहत के बाद तालीम को भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तौर पर ले जाने का फैसला किया गया है। और जो हायर एजुकेशन और असाज़ा की तरबियत के लिए ये कहा गया है कि B8 लाजिम करार दिया गया है, एक नया ट्रेनिंग प्रोग्राम भी दिया गया है। और वजीर आला मुराद अली शाह ने भी ये कहा कि हमें तालीमी निज़ाम को अगर बेहतर बनाना है तो असातज़ा को हमने ट्रेन करना है। इस सब मामले के ऊपर हम बात करेंगे, समाजी रहनुमा हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, मारूफ सिंगर भी हैं, शहजाद रॉय साहब। सर बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए पहले तो वक्त निकाला। ये बताएं कि आप बहुत सारे सरकारी स्कूल्स जो है उसको ओन करते हैं और वजीर आला साहब ने आपकी तारीफ की कि जिस तरह से आप ओन करते हैं उस तरह से दूसरे प्राइवेट सेक्टर्स ओन करते हुए नजर नहीं आते, और दूसरे जो सरकारी स्कूल चल रहे हैं उनके मामलात आपके सामने हैं, किस तरह से इस निजाम को बेहतर बनाया जा सकता है? ये जो जदीद ट्रेनिंग सेंटर का कायम किया गया है और ट्रेनिंग के हवाले से कोर्स मुतारिफ कराया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। यह इस तरह से है कि हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, जो फातिमा जना खातून पाकिस्तान, ऑब्वियसली वो ओनरशिप की जो बात कर रहे थे CM साहब या मिनिस्टर साहब, वो यही था कि क्योंकि जब आप गवर्नमेंट स्कूल बिल्कुल जीरो टॉलरेंस के साथ जो आप ठीक करते हैं, बिल्कुल फ्री तालीम देते हैं वहां पर, दोनों स्कूल में 3500 बच्चियां पढ़ती हैं और गवर्नमेंट टीचर्स को इस्तेमाल करते हैं हम, और वही उनको बेहतर करके दे आर परफॉर्मिंग। कि आज नेशनल चेस चैंपियन आपने देखा होगा, चीफ आर्मी स्टाफ जिनके साथ चेस खेल रहे थे, वो बच्ची 2014 में गवर्नमेंट स्कूल से चेस चैंपियन बनती है, और ये माइंड स्पोर्ट होता है चेस। इसी तरह से कराची ग्रामर को हराते हैं, अमेरिकन स्कूल को हराते हैं, तो ये गवर्नमेंट स्कूल्स बेहतर हो सकते हैं, हमने करके दिखा दिया, मॉडल अवेलेबल है। अब जो हम कर रहे हैं ये हुसैनाबाद टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ये दूरबीन एक इंस्टीट्यूट है जो जिंदगी ट्रस्ट जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो पेरेंट कंपनी है इसकी, ठीक है। तो एक और NGO है ये दूरबीन जो कि इस हुसैनाबाद को दुनिया के अंदर जो नंबर 1 प्रोग्राम है, तो वो फिनलैंड का प्रोग्राम है जी। तो फिनलैंड पहली दफा हिस्ट्री में, पाकिस्तान में पहली दफा हो रहा है कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी फिनलैंड पार्टनर कर रही है दूरबीन के साथ, हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और वो टीचर्स ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट की 4-year degree प्रोग्राम BEd कर रही है, और फिर ये बच्चियां जो यहाँ पर पढ़ेंगी 4 साल की डिग्री प्रोग्राम लेने के बाद फिर ये गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगी। तो ये पूरा सर्कल बना के दे रहे हैं जो कि पूरे पाकिस्तान में मिसिंग है अभी, क्योंकि जितना BEd MEd हो रहा है वो सारा एक MCQs असेसमेंट रोट लर्निंग पे बेस्ड है। ये पूरी मॉडर्न आप लर्निंग लेकर आ रहे हैं, और ये ऐसी यूनिवर्सिटी है जो अभी हमारे रीजन में इंडिया वगैरह कहीं पर भी नहीं अभी ये प्रोग्राम स्टार्ट। अच्छा शहजाद साहब, ये जो आलमी सतह की यूनिवर्सिटी से वाबस्तगी इस वक्त जाहिर की जा रही है और अच्छा इकदाम है बहरहाल, लेकिन हुकूमती सतह पर अगर मैं देखूं तो सरकार ऐसे इकदाम खुद क्यों नहीं करती, खुद क्यों ओन नहीं करती? क्या फंड्स की कमी है या फिर विल की कमी है? देखिए हुकूमत में होता ही है कि अगर सपोज करें सरदार शाह साहब है जो मिनिस्टर है, उन्होंने अपनी बेटी को गवर्नमेंट स्कूल में डाला हुआ है, यू नो एजुकेशन सेक्टर, इनकी तो विल 100% नजर आती, बट होता ही है पूरा डिपार्टमेंट होता है नीचे हजारों टीचर्स का, और वो एक 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 इस तरह के सिस्टम बना हुआ होता है कि उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आप ला नहीं सकते, इसीलिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का होना बहुत जरूरी होता है। जैसे आपने SIUT में अदीब रिजवी साहब को देखा, उन्होंने कैसे एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कन्वर्ट कर दिया उसको, इस तरह की एग्जाम्पल्स मिलती है।
आपको हेल्थ सेक्टर के अंदर इंडस आप देखें, डॉक्टर भारी ने क्या कर दिया, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ भी कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर गवर्नमेंट की हेल्प कर रहे हैं साइंटिफिक इंटरवेंशन के अंदर। तो लीडरशिप की विल होने की वजह से ये चीजें हो रही है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पोलिटिकल विल और पोलिटिकल इसकी इसको रेप्लिकेट करने के लिए साइंटिफिक इंटरवेंशन के साथ पॉलिटिकल इंटरवेंशन की भी जरूरत है, जो मुझे लगता है कि बरादरी शाह साहब में भी और शाह साहब जो मिनिस्टर हैं लेकिन फिर भी मामलात सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे। तालीम की बात की जाए तो तालीमी निजाम को और बेहतर होने की जरूरत है। जैसा कि आपने कहा कि जो नीचे डिपार्टमेंट बैठा हुआ है वो नहीं सुधरेगा तो कैसे होगा, तो क्या तजवीज देना चाहेंगे, क्या एडवाइस देना चाहेंगे उनको जो वजीर है इस वक्त हमारे, क्योंकि वो तो विल शो कर रहे हैं, वो तो विलिंग है लेकिन इदारा नहीं नजर आ रहा काम करने के लिए। देख रहा ये इतना इंटेंस और इतना डीप प्रॉब्लम है कि जब ये इश्तहार देते हैं टीचर्स को हायर करने के लिए ओपन मार्केट से, तो आप देखें कि आम जो लोग अप्लाई करने आ रहे हैं इतने आप वो टेस्ट क्लियर नहीं कर सक रहे, बेसिक फाइव और सिक्स जमात का मैच नहीं कर पा रहे। इसका मतलब ये कि माशरे के अंदर इवन हायर एजुकेशन आपका तबाह हो गया है। वो तो यूनिवर्सिटी से निकले हुए लोग हैं और वो तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज भी नहीं, वो तो नए टीचर्स आ रहे हैं। तो ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है। तो अभी ये जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं जिसमें हम 480 प्रोग्राम को ठीक कर रहे हैं, जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है उसकी किताबों को चेंज करने का वक्त आ गया है कि जो कि रोट लर्निंग पे बेस्ड ना हो। टीचर का कार्डर जो है, एक टीचर को आप प्रमोट किए जा रहे हैं बेशक वो कॉम्पिटेंट है या नहीं, काम कर रहा है या नहीं, उनकी अकाउंटेबिलिटी, तो ये वो तमाम चीजें हैं जो साइमल्टेनियसली मुझे लगता है कि सरदार साहब बहुत इंटरेस्टेड हैं ये करने के अंदर। बट आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये कोई 3-4-5 साल की बात नहीं है, अगर इसी कंसिस्टेंसी के साथ चलेगा तो भी कम से कम 10-15 साल लगेंगे। अच्छा, जिंदगी ट्रस्ट के हवाले से वजीर आला ने जो है वो अच्छे लफ्जों से आपको याद किया, शहजाद रॉय के स्कूलों में अच्छा काम हो रहा है, ये आज स्टेटमेंट दिया उन्होंने, तो हुकूमत की तरफ से आपको सपोर्ट मिलती है या फिर आप खुद ही अपने दम पर काम किए जा रहे हैं? देखिए, जिंदगी ट्रस्ट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट से कभी पैसा नहीं लेती, तो हमने जितना भी गवर्नमेंट स्कूल टर्न अराउंड किए वो सारा पैसा हम खुद खर्च करते हैं। अभी भी जितना हो रहा है वो हम कर रहे हैं, पॉलिसी भी हम कर रहे हैं। जैनब के बाद जो सेक्शुअल अब्यूज पे कानून पास हुआ, करिकुलम आया अहंग का, वो भी हमने लगाया। ऑब्वियसली हुकूमत ने उसको एकेडेमिक ईयर का पार्ट बना दिया है, लाखों बच्चे बच सकते हैं हम सेक्शुअल अब्यूज से, बिकॉज सिंध एक वाहिद सूबा है जहां पर ये करिकुलम आ गया है। लेकिन अब ये जो दूरबीन आई है, दूरबीन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। चलें, उम्मीद करते हैं कि जो है जिस तरह से आप कोशिशें कर रहे हैं बेहतरी की तरफ निजाम जाए, लेकिन ये वाजे नजर आ रहा है कि विल की जरूरत है। बहुत शुक्रिया शहजाद रॉय हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे और वो यही बता रहे थे कि विल की जरूरत है और कितने भी जाए हुकूमतें कितनी भी तब्दील कर दी जाए, जब तक सोच नहीं होगी, नजरिया नहीं होगा तो इदारा तब्दील नहीं हो सकता है। सरदार शाह साहब को अप्रिशिएट करता रहा हूं मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में कि हमेशा से गुड विल रखते हैं, अच्छे इकदामात करते हुए नजर आए। अपनी बेटी को उन्होंने दाखिल कराया सरकारी स्कूल में, इससे बड़ा और क्या इकदाम कर सकते हैं। बहरहाल, लेकिन जो पूरा इदारा है तालीम के हवाले से उसको भी सुधरने की ज़रूरत है, और जिस तरह से ये एक नया निज़ाम मुतारिफ कराया गया है, आलमी सतह की यूनिवर्सिटी से वाबस्तगी जाहिर की गई है, जिस तरह से बीएड को दोबारा से कराया जाएगा, बीएड को रिफॉर्म किया गया है, बेस्ट विशेज हैं इस इदारे के लिए और सिंध हुकूमत के लिए। लेकिन जो फर्नीचर की मैंने बात की, इसके ऊपर सरदार शाह साहब को एक्शन लेना पड़ेगा कि जितने स्कूल्स हैं उनके लिए तो फर्नीचर आप दे सकते हैं, लेकिन जो स्कूल मौजूद नहीं है सिरे से, वहां पर फर्नीचर का क्या काम है, कहां जाएगा? बहरहाल, कराची को फंड्स की कमी के हवाले से बात करूंगा। वफाक ने एक स्टेटमेंट दिया है और वो ये है कि अराकीन कौमी असेंबली को 10-10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे तरक्याती काम करने के लिए। मामला है, क्या डिस्कस करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, कराची को फंड्स के हवाले से बात की जाएगी। फंड्स की कमी का रोना था, एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी वफाक से नाराज नजर आए क्योंकि यहां पर फंड्स जारी नहीं किए जा रहे। वफाक ने पहले ही बजट रोका हुआ था एनएफसी की मद में,
پیپلز پارٹی کا, پھر ایم کیو ایم سے اتحاد ہے, تو یہاں پر بھی رونا نظر آیا کہ جو اتحاد ہے وہ چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے ساتھ. لیکن یہاں پر ایک اہم پیشرفت سامنے آئی ہے کہ وفاق نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو اراکین قومی اسمبلی ہیں ان کو 10-10 کروڑ روپے دیے جائیں گے, کس مد میں دیے جائیں گے, ترقیاتی کاموں کی مد میں دیے جائیں گے, اور 14 اراکین قومی اسمبلی جو ہیں ان کو 10 کروڑ روپے یہ کہہ کر دیے جائیں گے, کہا جا رہا ہے کہ آپ ہمیں ایک لسٹ بنا کے دیں, ہمیں اسٹریٹجی بتائیں کہ کس طرح خرچ کیا جائے گا, کس حلقے میں, کس ضلع میں, کس علاقے میں کس طرح کام کیا جائے گا, وہ تمام چیزیں واضح کی جائیں, 10 کروڑ روپے آپ کو منتقل کیے جائیں گے, پھر آپ نے کام کرنا ہے. لیکن اگر میں ماضی کی بات کروں عمران خان صاحب کی, تو وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے تھے کہ ایم این اے ایم پی ایز کو فنڈز دے دیے جاتے ہیں جو کہ یوٹیلائز نہیں کیا جاتا, ان کی جیبوں میں چلا جاتا ہے. اب یہ معاملہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ آپ بھی یہی کام کر رہے ہیں, جتنے بھی ایم این اے ہیں ان کو یہ فنڈز دیے جائیں گے 10-10 کروڑ روپے کی رقم, اور کس طرح سے یوٹیلائز کی جائے گی, کوئی چیک ان بیلنس ہوگا یا پھر صرف جیسے ماضی میں چلتا رہا ہے کام ویسے ہی اس بار بھی چلتا رہے گا, تمام چیزیں ہیں معاملات کو ڈسکس کریں گے اور ہر پیرائے سے اس کے اوپر ڈسکشن کرنے کی کوشش کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار موجود ہیں طاہر حسن صاحب. سر پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. طاہر حسن صاحب یہ بتائیں کہ ماضی میں جس طرح سے کہا جاتا تھا کہ ایم این اے ایم پی ایز یہی بگاڑ کی وجہ ہے ان کو فنڈز دے دیے جاتے ہیں, اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جتنے بھی اراکین قومی اسمبلی ہیں 10-10 کروڑ روپے دیے جائیں گے, کیسا دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ دیکھیے ایک تو آپ نے جیسے پہلے عرض کیا کہ خود عمران خان صاحب کو اس طرح کے میکینزم پہ بڑا اعتراض تھا جی, اور وہ کہتے تھے کہ یہ کرپشن کا ایک راستہ ہے, تو آج بھی صورتحال وہی ہے. اس لیے کہ دیکھیں چونکہ جب آپ صوبائی حکومت کا جو اس کا این ایف سی کا فنڈ ہے جب وہ نہیں دے رہے, اور آپ بار بار جو ہے اس بات کو جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور ہم صوبوں کو جو ان کا شیئر ہے وہ کم دیں گے, اور اس کے بعد آپ یہ اعلان بھی کر رہے ہیں کہ جو سرکاری پارٹی پی ٹی آئی کے جو ایم این اے اور ایم پی ایز ہیں ان کو ارکان اسمبلی کو یہ اس طرح کے فنڈ دیں گے, تو یہ اس سے آپ کی جو ہے وہ نیت صاف ظاہر ہو رہی ہے کہ نہ تو آپ ماضی میں جو جس ایک میکینزم پہ اعتراض کیا کرتے تھے وہ آج آپ کا اعتراض ختم ہو گیا ہے اور آپ بھی اسی میکینزم میں چلے گئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں. نہیں لیکن کیا وجوہات بتائی گئی ہیں, کیونکہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ پیسہ جیبوں میں چلے جاتا ہے, اب کیا جسٹیفیکیشن دی ہے وفاق نے خاص طور پہ عمران خان صاحب نے کہ کیوں یہ براہ راست منتقل کیا جائے گا فرد واحد کو؟ دیکھیے یہ تو ظاہر ہے کہ یہ فرد واحد کو ہی جاتا ہے, اس لیے کہ جو ایگزیکٹو ایجنسیز ہیں ڈیولپمنٹ کی وہ یا تو لوکل باڈیز ہوتی ہیں یا صوبائی گورنمنٹ ہوتی ہے, تو ان کے علاوہ اگر کسی تھرڈ پارٹی کو آپ پیسے دے رہے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ وہ آپ انڈیویجول کو پیسے دے رہے ہیں. اس لیے کہ یہ سارا کا سارا میکینزم آپ کو میں یاد دلاؤں جی, جنرل ضیاء الحق نے 85 میں شروع کیا تھا, اس زمانے میں ایم این اے کو جو ہے وہ 50-50 لاکھ روپے ذاتی اکاؤنٹ میں شفٹ کیے جاتے تھے, اور آج بھی جو ہے وہ اسی طرح کا میکینزم ہے, وہ جب پیسے ان کے پاس آئیں گے تو وہ کیا کون سا پروجیکٹ بنائیں گے, اس لیے کہ ہر پروجیکٹ کی کلیئرنس اور اس کا ڈیزائننگ اور سارے جو ہے لوکل گورنمنٹ جو ہے ڈیل کرے گی یا صوبائی گورنمنٹ ڈیل کرے گی, تو آپ کس کون سی حیثیت میں جا کے اور کون سا پروجیکٹ بنوائیں گے, تو یہ ہوتا یہی ہے کہ سارے کے سارے پیسے ذاتی استعمال میں جاتے ہیں ذاتی. لیکن خان صاحب کنٹینر پہ کھڑے ہو کے تو بڑے ویلنگ تھے کہ نچلے طبقے تک منتقل کی جائے گی رقم کو, اور اس کے لیے بڑے کوششیں کرتے ہوئے نظر آتے تھے, لیکن جب حکومت میں آئے تو یہ ایک نیا قدم ہے یا پھر میں اس کو یو ٹرن کہوں کہ اسی نیچ پہ کھڑے ہوئے ہیں جہاں سے سٹارٹ لیا تھا؟ میرا خیال یہ کہ یہ وہی ہے سارا کا سارا میکینزم جو ماضی میں حکومتوں میں رہا ہے, انہوں نے تو سب سے زیادہ اعتراض بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ بھی کیا تھا جی, حالانکہ وہ تو براہ راست بیوہ اور غریب عورتوں کو جاتا ہے اور بینک کے تھرو جاتا ہے, یہ 2-3 ہزار روپے بھی ان کا اعتراض تھا اور اب یہ 10-10 کروڑ روپے اپنے ایم این اے کو دے رہے ہیں, تو ان کے پاس ایسا کون سا پروجیکٹ ہے جہاں یہ 10-10 کروڑ روپے؟ خان صاحب تو بڑے جو ہے وہ باتیں کرتے تھے اس حوالے سے کہ نیا بلدیاتی نظام لایا جائے گا, پہلے پنجاب میں لایا جائے گا پھر یہاں پر بھی لانے کی باتیں کی گئیں, تو کہاں گیا وہ نظام؟ میرا خیال ہے دیکھیے ابھی تک تو وہ اپنی مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں, اور کبھی وہ ان کو کوئی چوہان آ کے تنگ کرتا ہے جو کہتا ہے کہ جناب میرے جو ہے دفتر اور گھر میں جو ہے وہ ہڈیاں نکل رہی ہیں, مجھے جو ہے وہ جادو کیا جا رہا ہے, اور اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جادو شاید بنی گالا سے ہو رہا ہے, تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ تو ابھی اپنے ذاتی مسائل میں الجھے ہوئے ہیں,
इनको हुकूमत चलाने के लिए तो अभी बहुत वक्त लगेगा। लेकिन कराची की आवाम ने मैंडेट दिया पीटीआई को, खासा वोटर यहाँ पर मौजूद है, ये वोटर पहले ही नाराज था इंक्रोचमेंट के ऑपरेशन के ऊपर, फिर रेजिडेंशियल कमर्शलाइज तमाम मामले वाजे किए गए थे उसके ऊपर भी नाराज था, मुतबादल जगहों पर भी नाराज था। अब ये फैसला किया गया है, एक तरह से यू टर्न कहूं अगर मैं इसको, कि दोबारा उसी बात पर आ गए जिसके ऊपर इख्तलाफ किया गया था कंटेनर पे खड़े होके, तो और ज्यादा नाराज नहीं होगा इनका वोटर? देखिए, उनका वोटर तो एक बार जो उसको अपनी ख्वाहिशात पूरी करनी थी कि शायद जो लोग जिन लोगों को वोट देता रहा वो काम नहीं कर रहे, तो उन्होंने एक तब्दीली के लिए यकीनन वोट दिया था, लेकिन उनको इस बात का एहसास बिल्कुल नहीं था कि इमरान खान या उनकी पार्टी या उनकी टीम जो है इतनी एक्सपीरियंस में कमी है उसकी कि वो कोई चीज़ समझ भी नहीं पा रहे। तो अब मेरा ख्याल ये है कि अगला इलेक्शन जब आएगा उस वक्त तक तो पता नहीं क्या हालात हो जाएंगे इस मुल्क के और क्या हालात हो जाएंगे अवाम के। तो अब जाहिर है कि वो फिर दोबारा जो है वो भी उसी तरह यू टर्न लेंगे जिस तरह ये बार बार इमरान खान और पीटीआई बार बार यू टर्न ले रही है। तो मेरा ख्याल ये है कि अब इन्हें उस यू टर्न का इंतजार करना चाहिए जो अवाम इनके खिलाफ लेगा। अच्छा, कराची के हवाले से मैं बात करूंगा, ये कराची के अराकीन के हवाले से बात की गई है, तो कोई स्पेसिफिक पैकेज मिलने जा रहा है वफाक की तरफ से? क्योंकि 200 अरब रुपए की तजवीज़ दी गई थी कि इतने 200 अरब रुपए दे दिए जाएं तो तरक्याती काम हो जाए, फिर सिंध हुकूमत ने भी वर्ल्ड बैंक के साथ कोशिशें की, उनको भी मनाया कि 250 अरब रुपये दे दिए जाएँ तो कराची को तब्दील कर लिया जाएगा, तो कोई पैकेज स्पेसिफिकली कराची के लिए मिलने वाला है? देखिए, मैं ऐसा करूँ कि एक तो NFC अवार्ड के तहत जो सूबों का शहर है अगर वो शेयर ही दे दिए जाए तो मेरा ख्याल ये है कि बहुत सारे मामला खुद ब खुद हल हो जाएंगे। लेकिन सर, उनको भी तो वहाँ इख्तलाफ है, वो कहते हैं कि पैसे देते रहे माजी के अंदर, वो ओमनी ग्रुप को जाते रहे। देखिए, वो तो उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और होनी चाहिए, और जब होगी और उसका जो रिजल्ट आएगा उस वक्त हम कोई बात कर सकेंगे इस बारे में, इसलिए कि अभी तक तो ये इल्जाम हैं और इन्हीं इल्जाम को जो है बड़ा चढ़ा के पेश किया गया और उसकी बुनियाद पर इमरान खान ने वोट लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि अब मजीद जो है वो हम इसको इल्जामात के मामलात को छोड़ दें, जब जिसके ऊपर मामला चल रहा है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाए, सजा हो जाए, तो फिर हम समझेंगे कि हाँ ये बातें ठीक थी, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। और हो ये रहा है कि वही सब काम जिसके खिलाफ इमरान खान जद्दोजहद कहते थे मैं कर रहा हूँ और इसको अब तब्दील करके रहूंगा, आज अल्लाह का फजल है कि वो वापस उसी जगह आ गए हैं और उन्हीं प्रोग्रामों को उनके उसी तरह के मामलात को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब मैं ही समझता हूँ कि शायद उनका एक्सपीरियंस जो है उस वक्त भी जो कम था आज उससे ज्यादा कम नजर आ रहा है। अच्छा, MQM के हवाले से बात करूंगा, जब इत्तेहाद किया गया था तो MOU साइन किया गया था, गालिबन 9 नुकाती एजेंडे के ऊपर इत्तेफाक किया गया था, कितने नुकात पूरे कर सकी है PTI, कितने नुकातों पर अमल किया जा चुका है और कितने बाकी रह गए? देखिए, बात यह है कि MQM हमेशा से ये एग्रीमेंट करती रही है और ये भी कहा जाता रहा है कि ये एग्रीमेंट किन के कहने पे करती हैं वो, और बहुत मजबूर हालात में करते हैं वो, और इन एग्रीमेंट से उनका कोई फ़ायदा नहीं होता सिवा इसके कि जो एग्रीमेंट करा रहे होते हैं वो अपना मकसद हल कर लेते हैं। तो एक तो सीधी सीधी बात ये है, MQM ने क्या एग्रीमेंट किया है वो भी नहीं पता किसी को, खुद MQM को मेरा ख्याल नहीं पता, उनके पास जो दो मिनिस्टर। लेकिन MQM तो फिर भी इत्तेहाद ही है उनकी और दो वजारतें साथ लेके चल रही है। मैं वो यर्ज कर रहा था कि दो वजारतें उनके पास जरूर हैं, लेकिन वो उन वजीरों से तो पूछिए कि उनके पावर कितने हैं, उनके उनको किस तरीके से वजारत चलाने को दी गई है, क्या वो इंडिपेंडेंट है, क्या वो पावरफुल है। मैं समझता हूँ कि उनके साथ सूरतयाल वही है जो बाकी लोगों के साथ है, और अब तो PTI ये कहने पर मजबूर हो गई है कि कैबिनेट में सिर्फ 20% लोग जो हैं वो PTI के बैठे हैं और बाकी सब आउटसाइडर बैठे हैं जो कॉपरेट नहीं कर रहे PTI से। तो मैं ये समझता हूँ कि उनका सारा ये जो कुछ भी सिस्टम और ढांचा बनाया गया था वो नाकाम हो गया है, और अब वो मेरा ख्याल ये है कि अब अपने वापसी के सफर में मशरूफ है। अच्छा, MQM के हवाले से मैं एक और स्पेसिफिकली सवाल करना चाहूंगा कि MQM की खुद इस वक्त कितनी अहमियत है, क्योंकि इस वक्त इत्तेहादी बैठे हुए हैं, अगर इत्तेहाद खत्म कर दें तो वाकई वफाक में हुकूमत कमजोर होती हुई नजर आएगी PTI की, और इसी मौके पर कराची को ओन करने वाली ये वो जमात है जो कराची से हमेशा मैंडेट लेती रही है, अब इसकी स्ट्रेटजी क्या नजर आ रही है कराची के हवाले से? क्योंकि अगर ये अलग हो जाते हैं तो वहां पे वो कमजोर हो जाते हैं, अब ये वजारते लेकर बैठे हुए हैं, 9 नुकाती एजेंडे के ऊपर साइन किया है उस पर भी अमल नहीं हो रहा, तो आगे सूरत हाल क्या होगी? देखिए, एक तो हमेशा से MQM ने इस तरह के एग्रीमेंट किए हैं और वो
और हर बार वो ये कहते हैं कि हमारे एग्रीमेंट पे अमल नहीं हो रहा और हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और जब वो काम कर सकते थे तो उस वक्त भी उनके जो रवैया था, जो उनके परफॉर्मेंस थी, वो भी सबके सामने है और उसी का रिजल्ट है कि 2018 में उनके साथ जो कुछ हुआ और जिस तरह उनकी सीटें कम हुई और पीटीआई को दी गई, आज पीटीआई जो है वो उसके भी वजीर हैं। मुझे अफसोस होता है कि कराची में 5 या 6 फेडरल मिनिस्टर हैं और बाकी भी जो है वो पूरी पार्टी एक्टिव है, गवर्नर सिंध भी बैठे हुए हैं और दूसरे मामलात भी हैं, लेकिन दोनों तरफ से ही सूरतयाल जो है वो बहुत ही मायूस कुन है। ना तो पीटीआई और ना एमक्यूएम दोनों कोई परफॉर्म नहीं कर रही हैं और अवाम यहाँ बिल्कुल मायूस बैठे हैं। फेडरल गवर्नमेंट में या वहाँ की नौकरियों में कराची के लोगों का कोई शेयर नहीं है। आप हर स्टार उठा के देख लें उसमें लिखा होता है कि माइनस कराची। तो अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ना तो एमक्यूएम और ना पीटीआई कराची के अवाम के लिए कुछ डिलीवर कर रही है और ना ही मुझे नजर आता है कि आइंदा भी डिलीवर कर पाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर हसन साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। इस वक्त कराची की जो सूरत है उसको ओन करने वाली जमातें, इलेक्शन से पहले कंटेनर पे खड़ी होने वाली जमातें जो इस वक्त हुकूमत में बैठी हुई हैं और कराची को हमेशा से मैंडेट जो अवाम मैंडेट देती रही है, कराची की अवाम जिस जमात को, वो जमात और इस वक्त हुकूमती जमात इत्तेहादी बने बैठे हुए हैं, मतलब पीटीआई और एमक्यूएम इत्तेहाद में एक साथ, लेकिन कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इमरान खान साहब पहले कहते रहे कि ऐसा निज़ाम लाया जाएगा कि निचले तबके तक पैसे मुंतकिल किए जाएंगे, लेकिन अब वही काम करते हुए नजर आ रहे हैं कि वफाकी जो लोग हैं, जो कौमी असम्बली के अराकीन हैं, उनको 10-10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे कि आप अपने इलाके के अंदर तरक्याती काम कराएं। नया बल्दियाती निज़ाम कहाँ रह गया मालूम नहीं, लेकिन कराची की आवाम, कराची का वोटर पीटीआई को जो सपोर्ट करता था खासा, इस वक्त नाराज नजर आता है क्योंकि जो जो वादे किए गए थे वो पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे। बहरहाल अभी वक्त कम ही गुजरा है, लेकिन कुछ ना कुछ होता हुआ नजर आना चाहिए था जिससे एक उम्मीद की लहर दौड़ पड़ती कि अब कुछ काम हो रहा है, कुछ बेहतरी आ रही है। मुतबादल जगहों के हवाले से मैं बात करता हूँ, हमेशा इंक्रोचमेंट के ऊपर सवाल उठाया कि मुतबादल जगहें कहाँ पर दी जा रही हैं। अभी तक ये बहस चल रही है कि जमीन मेरी है, जमीन तुम्हारी है, जमीन जस्टिफाई नहीं की जा रही है। बहरहाल सिंध के अस्पतालों की बात की जाएगी, सिंध के अस्पतालों की जो सूरत हाल है वो डिस्कस करेंगे क्योंकि 4,70,00,000 अफराद के लिए कितने सरकारी अस्पतालों में बिस्तर मौजूद हैं वो डिस्क्लोज करूंगा मैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजीन, सिंध के अस्पतालों की जो सूरत हाल है उसके हवाले से बात करेंगे। मरीजों के मुकाबले में बिस्तरों की तादाद कम है और किसी भी हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र क्या सूरत हाल होगी वो इस वक्त सोचा जा सकता है। और मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बता दूं कि सिंध के जो मरदमशुमारी हुई थी हालिया, उसके मुताबिक 4,70,00,000 आबादी बताई जा रही है सिंध की, जिसके लिए सिर्फ 17,000 बिस्तर मौजूद सरकारी अस्पतालों में। सरकारी अस्पतालों की हालत वैसे ही बहुत अच्छी है और उसके बाद ये बिस्तरों की तादाद, फिर डॉक्टर्स की तादाद, फिर जो वार्ड है, जो स्टाफ है, उसकी तादाद इतनी है कि किसी भी हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र ये तमाम चीज़ें पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। बढ़ती हुई आबादी के लिहाज से अगर एक जो सर्वे किया गया था उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जो फैक्ट्स एंड फिगर सामने, 957 मरीजों पर एक डॉक्टर की सहूलत मौजूद है। कहां जा रहे हैं हम, क्यों ये निजाम दुरुस्त नहीं किया जा रहा? 18वीं तरमीम के बाद निजाम सेहत का हो, तालीम का हो, सिंध हुकूमत के अंडर आ जाता है, लेकिन इसमें बेहतरी नजर नहीं आ रही है। बहरहाल इस सब के ऊपर बात करेंगे, आज डिस्कशन किया जाएगा। सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी के हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है नजमी आलम साहब। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आप हमेशा वक्त निकालते हैं, आज भी आपने वक्त निकाला। सर ये बताएं कि ये जो इंकशाफात किए गए हैं, ये जो फैक्ट्स एंड फिगर सामने आए हैं, 4,75,00,000 की आबादी है और सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की तादाद सिर्फ 17,000 है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इस पे कोई मैं आपसे डिबेट नहीं करूंगा, बिल्कुल ये तादाद कम है, लेकिन आपको ये बात जरूर देखनी चाहिए कि क्या प्रोग्रेस है। हमने जब हमें ये 8वीं तरमीम का आपने भी जिक्र किया, जब हमें ये मिला था तो यही कार्डियो और का बजट था 6 अरब, हम इसको 14 अरब तक लेकर गए जब हमसे ये और इवन जब हमसे ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब ये हुआ कि फेडरल गवर्नमेंट को चला जाए तो पीपल्स पार्टी ने वहां पर फंड देना नहीं रोके, अभी भी
सिंध एक वाहिद सूबा है जहां पे एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी फ्री है, पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है। पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं यहाँ पर कि भाई हमें, क्योंकि गरीब आदमी के लिए अगर तीन चार लाख रुपए की एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी का खर्चा आसान नहीं होता, लेकिन जिस सिंध वाहिद सूबा है जो ये फ्री कर रहा है। अभी हमने नए हॉस्पिटल्स बनाए हैं, आप ये बिरजी ट्रामा सेंटर, आप वहां पे सक्कर का NICVD, गंबट का ट्रामा सेंटर, खैरपुर में, लाड़काना में प्रोग्रेस है, बिल्कुल है, लेकिन अभी भी कम है, इसको बहुत बेहतर होने की जरूरत है। लेकिन पीपल्स पार्टी की बिल्कुल कंसिडरेशन है, और मैंने आपसे कहा कि सिर्फ उसकी मिसाल मैंने ये दी कि यही NICVD जिसका 6 अरब का बजट था और जिना हॉस्पिटल, इसको हम 14 अरब पर ले गए सिंध गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज से, और अभी भी। लेकिन सर हमें क्वांटिटी नहीं क्वालिटी हेल्थ चाहिए। बिस्तरों की तादाद देखें आप, 17,000 है। डॉक्टर्स की बात करूं तो डॉक्टर्स आपके पास 15,000 मौजूद हैं जो रजिस्टर्ड हैं, किस तरह से चेकअप करेंगे फिर मरीजों का? नहीं, अभी अभी बीच में जब ये हुआ, डॉक्टर्स अपॉइंट किए हैं सिंध गवर्नमेंट ने, अभी रिसेंटली एक बिल जो पास किया है, वो तो बेचारे एहतजाज कर करके अपनी तनख्वाहें बढ़ाने की बात करते हैं। तनख्वाहें तो उनकी बढ़ा दी सिंध असेंबली ने, वो भी तब नौबत आई ना जब एहतजाज किया गया। सर देखिए, तो आप हमें एक काम तो ये करें ना कि सिंध का जो 160 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट रोक के बैठ गई है, अपने MPS को 10-10 करोड़ रुपए देने के, MNA को देने के बजाय, वो सिंध का 160 अरब रुपया तो हमें दे, जो हमारा लीगल राइट बनता है। 11 सालों से रोका हुआ है। नहीं, ये तो अभी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आने के बाद, और हमारा जो सिंध गवर्नमेंट का जो नेशनल उसमें शेयर बनता है वो तो दे हमें, हमने मैं कह जो वहां पर सक्कर में NICVD बनाया और दूसरी जगह ट्रॉमा सेंटर वगैरह, ये जितनी, और ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि जब चीफ जस्टिस साहब पिछले जब नहीं सर नजवी साहब गालिबन अगर आप मेरा प्रोग्राम देख रहे होते तो मैंने लास्ट सेकंड में जिक्र किया कि अस्पतालों को मुआवजा करूं, सिंध के हॉस्पिटल बहुत अच्छे हैं उनसे बिल्कुल, लेकिन अभी भी इसमें बहुत कमी है। इसमें मैं ये नहीं आपसे आर्गुमेंट कर रहा कि सब सही है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट की प्रोग्रेस देखें आप हेल्थ के शोबे नहीं। मैं यही सवाल कर रहा हूं, अगर आप गालिबन प्रोग्राम देख रहे थे मेरा, तो सेकंड सेगमेंट में मैंने यही कहा कि NFC की मद में जो बजट रुका हुआ है वो तो देना चाहिए, हम कहते हैं, लेकिन आप भी तो 10 साल से बैठे हुए हैं, क्या ये प्रोग्रेस काफी है? अभी आपको 10 साल में चंद प्रोजेक्ट बड़े बताए, जो कुछ छोटे प्रोजेक्ट नहीं थे, कोई 2 या 5 करोड़ रुपए के, क्या ये प्रोजेक्ट काफी है? नहीं, एक मैं तो कहा कि अभी इसमें बहुत बेहतरी लाने की, इसको बहुत आगे बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट की सिंध की मैं बात, लेकिन जिस स्पीड से पीपल्स पार्टी जा रही है सेहत के हवाले से, और कितने साल मजीद दरकार है? मैं सिंध की बात कर रहा हूं कि हमने हेल्थ पे कंसिडरेशन रखा है और उसको हमने बढ़ाया है, जो मैंने अभी आपको जो बड़े प्रोजेक्ट बताए ये कहां से बने? सिंध गवर्नमेंट ने बनाए ना, कोई फेडरल गवर्नमेंट ने तो पैसे नहीं दिया हमें, ये इतना बड़ा ट्रॉमा। अभी कार्डियो की जो हम एक्सपेंशन कर रहे थे, जो पीछे उसके नए ब्लॉक थे, उसमें अरबों रुपए सिंध गवर्नमेंट अपने सोर्स से लगा रही है, वो कोई फेडरल गवर्नमेंट हमें नहीं दे रही। लेकिन सर कराची जैसे बड़े शहर के हवाले से मैं बात करूं, 3 बड़े सरकारी अस्पताल हैं, ये जस्टिफाई करते हैं कि आपकी हुकूमत की कारकर्दगी? मेरे ख्याल में आप जब हमें जिना मिला था उससे और आपके मुकाबले में बहुत जिना हॉस्पिटल इंप्रूव हुआ, वहां पर हमने नए वार्ड्स बनाए। 3 करोड़ की आबादी के लिए 3 अस्पताल सर। मैंने आपसे कहा कि देखें कि बिल्कुल अब ये हमारा कार्डियो है, उसमें आप जाएं तो मैं समझता हूं कि कार्डियो का जो हेल्थ का जो ऑपरेशन हैं वो आगा खान हॉस्पिटल से ज्यादा बेहतर हैं, वहां के जो हेल्थ केयर है उस मामले में, हार्ट के मामले में कार्डियो से अच्छी आगा खान हॉस्पिटल बड़ा मशहूर नाम है, उसकी भी इतनी नहीं होगी, लेकिन उसको हम सर आयुष्योर के ये आगा खान से बेहतर है। चल रहा था जब हमसे ये लिया गया तो कार्डियो का एक्सपेंशन इतना चल रहा था कि कार्डियो की कैपेसिटी 3 गुना हो जाती, कार्डियो जो अभी मौजूदा जितनी है, जो पीछे उसके नए ब्लॉक्स और नया तैयार हो रहा है, उसके बाद कार्डियो की कैपेसिटी जितनी मौजूदा है इससे 3 गुना बढ़ जाएगी। चले कार्डियो से थोड़ा मूव करके लियारी जनरल हॉस्पिटल पर आ जाए, उसमें क्या प्रोग्रेस है आपकी? जो जिसकी बुरी हालत है अभी, हम वहां पर आपने जैसे स्टाफ की कमी की, बदतरीन सूरत हाल है सर माजरत के साथ, अभी मैंने आपने जैसे कहा कि स्टाफ की, अभी लियारी जनरल हॉस्पिटल की जॉब्स अनाउंस हुई हैं, जो पैरामेडिकल के अंदर नया स्टाफ भर्ती किया जा रहा है, वो उसी हॉस्पिटल को बेहतर करने के लिए किया जा रहा है ना, अभी चंद दिन पहले उसका हेड आया है अखबारों में, गवर्नमेंट में उसके टेस्ट चल रहे हैं, उसके रिटर्न टेस्ट चल रहे हैं, वो भी उसी लिए किया गया है कि वहां पर जो मेडिकल स्टाफ की कमी है वो पूरी की जाए। अभी जिना सिविल हॉस्पिटल में भी आपने देखा कि अभी चंद दिन पहले एड्स आए कि हमारे सारे फाइनेंशियल जो कुछ जो हमें प्रॉब्लम्स के बावजूद
इस हेल्थ साइड पर अपॉइंटमेंट किए जा रहे हैं कि हॉस्पिटल में जो तादाद कम है स्टाफ की उसको पूरा किया जाए, वो पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती किया जा रहा है। अच्छा, 2000 आसामियां वैसे ही खाली हैं डॉक्टर्स की सिंध के जो सेहत का महकमा है, और टोटल अगर मैं बात करूं मुल्क के हवाले से 1,43,000 रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं, उसमें से आधे से ज्यादा तो बाहर हैं। ऐसा क्यों होता है कि हमारा डॉक्टर यहाँ पर तालीम हासिल करता है और बाहर चला जाता है? उसको ऐसी कौन सी फैसिलिटीज मिल रही है बाहर जो यहाँ हम नहीं दे पा रहे? बिलाल साहब, आप एक बात आपकी में बिल्कुल वजन है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि जो हमें डॉक्टर, देखिए होता क्या है, बड़ी मेहनत से एक आदमी डॉक्टर बनता है। अगर वो उसको हमें जो जनरली हम डॉक्टर को जो तनख्वाह, और पूरे पाकिस्तान में ये है, खाली सिंध की बात नहीं कर रहा, हमें इतनी देनी चाहिए कि वो प्राइवेट प्रैक्टिस की तरफ नहीं देखे। वरना हो ये रहा है कि लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब भी करते हैं और अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी करने की कोशिश करते हैं। ये फैक्ट है हमारे मुल्क की बदनसीबी भी कि वो जाके प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि उनको जितनी उन्होंने मेहनत की है, जितना वो पढ़ के आए हैं, इतनी मेहनत से डॉक्टर आसानी से नहीं बन जाता, उसको वो हम नहीं दे पा रहे पूरे पाकिस्तान में वो तनख्वाहें, वो तमाम बरात जो एक डॉक्टर को मिल। चलें सर, एक आखिरी सवाल, क्योंकि वक्त की किल्लत है, ये अगर एनएससी की मद में आपको फंड जारी कर देते हैं तो क्या निजाम दुरुस्त कर देंगे सेहत का? सर, ये हमारा सर प्रॉब्लम क्या हो रही है, हमें अपने डेवलपमेंट के काम रोकना पड़ रहा है ना, वो ठीक है कर दिया जाएगा ना, काम को दुरुस्त कर दिया जाएगा। बिल्कुल, हम ठीक है। बहुत शुक्रिया नजमी आलम साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद थे, वो यही कह रहे थे कि अगर ये फंड जारी कर दिए जाएं, 10 सालों से आप हुकूमत कर रहे हैं और इस हुकूमत में क्या क्या प्रोग्रेस हुई वो सामने है। प्रोग्रेस हुई है लेकिन सुस्त रवि का शिकार है, इतनी प्रोग्रेस जस्टिफाई आपकी कारकर्दगी नहीं करती है, आपको और प्रोग्रेस करनी चाहिए थी। सरकारी अस्पतालों की सूरत हाल अगर मैं आपको बताऊं, वहां स्टाफ की कमी है, वहां डॉक्टर्स की कमी है, ऐसा क्यों होता है कि हमारा डॉक्टर यहां पर तालीम हासिल करके बैरून मुल्क जाकर प्रायोरिटी देता है जॉब करने के लिए? ये तमाम चीजें सोचनी पड़ेंगी अगर हमें अपने ही मुस्तकबिल के मेहमानों को यहां पर रोकना है, तो हमें एक निजाम बनाना पड़ेगा, मैकेनिज्म तैयार करना पड़ेगा इस हवाले से। बहरहाल, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, आपके फीडबैक का मैं मुंतजर हूं, जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।